नमस्कार एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एचपी की पावर सप्लाई में क्या फॉल्ट होता है और क्या क्या इशू आता है ज़्यादातर से, कैसे उसे ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं और कैसे चेक करेंगे। इसी को मैं आज इस पूरे वीडियो में बताऊँगा, जो 10-12 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको डिटेल में हर एक सेक्शन के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेक्शन वाइज, जैसे आप देख सकते हो, इसे प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन, इसमें सर प्राइमरी सेक्शन में यहाँ तक मॉस्फेट, सॉरी, ये डायोड के गेट तक जो रेक्टिफायर है, इन इनपुट सेक्शन तक उसका क्या आता है, एसी वोल्टेज आता है। इसके जो रेक्टिफायर लगे होंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मॉस ब्रिज रेक्टिफायर, जैसे एक पैक ब्रिज आता है, ये कि डायोड लगे होते हैं HR, तो इसे DC में कन्वर्ट करके इस फिल्टर पे 300 वोल्ट पीक वोल्टेज को यहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, 300 से 330 या 50 या 40 भी बता सकता है, वो डिपेंड ऑन द पीक वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो प्राइमरी जो वोल्ट, इसका वोल्ट 300 वोल्ट क्या करता है, इसके कॉयल पे जो ट्रांसफार्मर है, इसके कॉयल पे 300 वोल्ट जाता है। आप इधर चेक करोगे तो 300 वोल्ट इस वाले कॉयल पे आपको आएगा। ठीक है, ओके। अब के काम कैसे करता है, तो जैसे आप देखोगे 300 वोल्ट का यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। अब जो हमारा वोल्टेज है, फीडबैक कॉयल को हमारा मॉस्फेट क्या करता है, स्विचिंग करके इसे ऑन ऑफ करता है, तो इस कॉयल से इंड्यूस करंट बनता है इधर। ठीक है, वो भी हमारा AC फॉर्मेट में होता है, तो एक इधर से इंड्यूस करंट बनेगा। तो इसे अभी जो हमारा वोल्टेज होता है, इसे प्योर करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया, क्योंकि हमारा AC वोल्टेज, फिर इसका सेकेंड स्टेप होता है AC वोल्टेज बनाता है MOSFET, फिर इस ट्रांसफार्मर के थ्रू फिर इसे DC में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा जो वोल्टेज आउटपुट आता है यहाँ पे इन दोनों पिन पे आता है। ठीक है, इन दोनों पिन पे एक पिन डायरेक्टली कर लिया जाता है, उसे ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा जो कि AC होता है, तो इसे क्या होता है, जो पोलराइज नॉन पोलराइज होते हैं, जैसे जैसे आपने चेक देखा होगा AC DC, तो ये दोनों AC के रूप में काम करते हैं, तो इसका कोई माइनस प्लस नहीं होता, तो इसीलिए एक डायोड लगा के यहाँ पे 3 पिन का पावर डायोड, उसे हमने DC में कन्वर्ट कर लिया जो सर्किट डिज़ाइनर ने बनाया। उसके बाद से यहाँ पे 35 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है, तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो लगभग 23 वोल्ट का या 24 वोल्ट का रेगुलेटेड आउटपुट निकालता है। ठीक है, लीनियर की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे इसे मैनेज करता है मॉस्फेट। ठीक है, कम ज़्यादा उसके वोल्टेज कम ज़्यादा और एक्यूरेट करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर वोल्टेज आपका कम ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए लगे हुए हैं हमारे ऑप्टो कपलर यहाँ पे 3 कंट्रोलर। ठीक है, तो इसके थ्रू ये वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है, और ये 3 35 वोल्ट की कैपेसिटर लगी यहाँ पे, तो लगभग 1.5 गुना वोल्टेज के कैपेसिटर हमारा यूज होता है, और इसमें 680 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसका वोल्टेज और प्योर करने के लिए फिल्टर लगा हुआ है, जिसे रेक्टिफाई प्योर करके वोल्टेज को यहाँ से इस सर्किट से मदद से इसके जो ECU के कंट्रोलर है, जैसे आपने देखा इंजन कंट्रोलर होता है ये वाला, इसके कनेक्टर पे आता है। ठीक है, अलग अलग सेक्शन में जाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा DC मोटर को मूव घुमाने के लिए जैसे घूमता है, ठीक है, उससे इसके थ्रू ही कन्वर्ट होके जाता है। ठीक है, ओके, तो उस कंट्रोलर पे हमने जब यहाँ पे प्रेस करते हैं, एक स्विच होता है, तो ये एक्टिव हो जाता है, इसके थ्रू पावर जाने लगता है। ठीक है, ये जब शॉर्ट होता है तो, ठीक है, तो ये भी इसका भी जो कनेक्शन है आपस में मिले होते हैं इससे। ठीक है, तो ऑन होता है तो इनके पिन पे सप्लाई जाने लगता है। ठीक है, तो इसका भी सर्किट डायग्राम मैं एक बार बताऊंगा, तो अभी डिटेल में मैं फिलहाल इस बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब बात आती है हमारा लाइट प्रिंटिंग का, जनरली मोस्टली इशू आता है कॉमन, तो इन दोनों ट्रांसफार्मर के वजह से इनका, और ये जो दो लगे हुए हैं इनका ट्रांजिस्टर, इनके वजह से आता है। ठीक है, वाइट या लाइट प्रिंटिंग या ब्लैक प्रिंटिंग, इनके इम्पीडेंस वैल्यू चेंज होने के कारण। ठीक है, तो उस केस में हम ट्रांसफार्मर को चेंज कर देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, नो पावर के केसेस में आप देखोगे तो इसका ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देखिए। ठीक है,
जीरो से 10 ओम की रेजिस्टेंस होती है। इसके ओपन हो जाने से जो 300 वोल्टेज है हमारे इस ट्रांसफार्मर के ड्रेन पे गेट से अटैच नहीं होता, ठीक, सॉरी 3 वोल्ट डायरेक्टली अटैच नहीं होता, इसलिए हमारा ये काम नहीं करता, सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो और भी आपको जो प्रॉब्लम इसमें आता है जनरली कभी कभार इन आईसीयू के वजह से भी हमारा क्या होता है, ईसीयू प्रॉपर काम नहीं करता है, तो इसका भी कंट्रोलर ही है इसे कंट्रोल करता है। इसमें LMIC लगी है 317, ठीक है, तो इससे भी ऑपरेट होता है। तो दोस्तों अगर आप इसका सिम जो मॉस या आपका कैपेसिटर डैमेज हो गया है या कुछ भी हो गया, मिसिंग हो गया, टूट गया, तो आप किस वैल्यू का लगा सकते हो, 68 माइक्रो फैराड से लेकर 8200 माइक्रो फैराड या 450 वोल्ट, 400 वोल्ट का आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं होता, ये जिसमें दो दो कैपेसिटर यूज होता है उसको हम जंपर के थ्रू बाईपास कर सकते हैं, विदाउट कैपेसिटर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो प्योरिटी नहीं होती, उसने सर्किट हमारा जल्दी कंपोनेंट ख़राब या कोई भी डिवाइस है ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे फ्यूज़ लगा देगी, यहाँ फ्यूज़ को हम क्या करेंगे, लगा देंगे और या तो हम तार के थ्रू जंपर कर देंगे अगर आपके पास नहीं है तो, इधर और इधर, ठीक है। अब कई बार केसेस में ये ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो भी एक पावर ऑन नहीं होगा, ओके। कई बार ड्राई शोल्डरिंग हो जाता है या प्रिंट यहाँ पे डैमेज हो जाता है, उसके वजह से भी हमारा सर्किट काम नहीं करता, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़, अगर आपने देखा होगा टैफ्लॉन प्रेशर वाला थोड़ा सा मुंह बार बार जल जाता है, सिकुड़ जाता है, आपस में चिपक जाता है, तो उसका एक इश्यू होता है 8 PM की जो IC लगी हुई है ये वाली, आप देखिए इधर से यहाँ पे ये रहा ये वाला, ओके, ये ख़राब होता है, शॉर्ट होता है जब से आप जब चेक। इसके टेस्टिंग का तरीका क्या होता है, मैं भी ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टेस्टिंग का इसका तरीका ये होता है, जब आप ऐसे चेक करोगे बीप रेंज पे मल्टीमीटर से ऐसे, तो ये बीप करेगा, ठीक है, ऐसे बीप करेगा, ओके, तो ये ओके कंडीशन। इसके वजह से भी हमारा क्या होता है, बार बार टैफ्लॉन प्रेशर वगैरह जल जाता है। तो इस केस में आपको इस 8 PM की अगर आप रिपेयरिंग करते हैं IC को, चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ये क्या करता है, 230 वोल्ट इस कनेक्टर पे आउटपुट निकालने लगता है। AC वोल्टेज, आप AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं AC रेंज पर रखते हैं मल्टीमीटर से, तो जो AC का सिंबल है मल्टीमीटर में ये वाली है, आप इस पर सेट करिए AC रेंज पे और इसे इन दोनों कनेक्टरों पे ऐसे दो प्रॉब रखिए और प्रिंटर में लगे लगे जो प्रिंटर में जो कनेक्टर होता है फ्यूचर का, उसे निकाल के इस पर चेक कर लीजिए। आपका 230 वोल्ट आ रहा था आपका, यानी कि जो इनपुट में आ रहा है जो इसमें आ रहा है, तो आपका यानी कि ये वाला MOSFET शॉर्ट है, ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने और बताया था कि बिना पावर दिए कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको MOSFET क्या करना होगा, यहाँ पे चेक कर लेना होगा 8 PM की जो IC कंपोनेंट है, ओके, आपका प्रॉब्लम वहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा फॉल्ट, और बार बार आपका जो पार्ट है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये जानकारी दोस्तों अभी तक कैसा लगा, और भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम भी उसके अकॉर्डिंगली वीडियो आप बना के शेयर करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।